लॉर्ड कृष्णा नमन माई ऑल डियर स्टूडेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं क्या आप सभी इसको सॉल्व कर सकते हैं पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन लिटमस पेपर लिटमस पेपर का एसिड पर क्या इफेक्ट होगा सेकेंड क्वेश्चन व्हाट कलर डज द फिनॉथलीन इंडिकेटर शो इन बेसिक सॉल्यूशन क्षारीय माध्यम में फिनोथलिन का फिनोथलिन कैसे इंडिकेट करेगा आर बेसिस सोलविन वाटर क्या क्षार पानी में घुल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कलर डच टर्मरिक पेपर चेंज टू इन आ बेसिक मीडियम क्या टर्मरिक पेपर यानी कि हल्दी की जो स्ट्रिप्ट हैं बेसिक मीडियम में बदल सकती हैं नेम द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर दैट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकैन ज़्यादातर इंडिकेटर जो एक्सट्रैक्टेड यानी कि लाइकेन के एक्सट्रैक्शन से बने होते हैं प्लीज हमें बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस नाउ यू अबाउट एसिड एंड वेस व्हाट हैपन्स इफ वी मिक्स एन एसिड विद अ वेस एसिड एंड वेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म एन अदर सब्सटेंस कॉल्ड साइड जब एसिड और वेस को हम मिला देंगे जब हम एसिड और वेस को मिला देंगे तो हमें एक नया सब्सटेंस मिलेगा जिसे हम साल्ट कहेंगे अ साल्ट मे एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर साल्ट का जो नेचर है जो प्रकृति है वो अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकती है अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकती है यू विल आल्सो फाइंड दैट द वीकर और ट्यूब इन विच एसिड एंड वेस्ट रिएक्ट अप हम यहाँ पर एक बीकर में टेस्ट ट्यूब की हेल्प से एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराएंगे। द रिएक्शन्स बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर विद द एवोल्यूशंस ऑफ हीट इच्स कॉल्ड न्यूट्राइजेशन रिएक्शन जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके साल्ट बनाएंगे तो वहाँ पर हीट एवोल्यूट होगी एवोल्यूशन वहाँ पे हीट का होगा यानी कि टेस्ट ट्यूब हल्की सी हीटेड हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल वेन वाइनेगर एसिड इज एडिड टू बेंकिंग सोडा जब हम वाइनेगर एसिड को बैंकिंग सोडा बेस के साथ रिएक्ट uh, कराएंगे असाल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेटा फॉर्मेट तो यहाँ पर साल्ट बनेगा वाटर बनेगा और सी ओ टू गैस निकलेगी सिमिलरली वैन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल की रिएक्शन एडिड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एन एच से कराएंगे हम एच सी एल की रिएक्शन एन एच से कराएंगे सोडियम क्लोराइड साल्ट एंड वाटर आर फॉर्मेड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट तो यहाँ पर साल्ट बनेगा वाटर रिलीज uh, होगा और हीट भी रिलीज होगी यानी कि जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे तो इससे साल्ट बनेगा और वाटर अलग निकलेगा ठीक है और इसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर एक्टिविटी फोर को हम स्टडी करेंगे टू स्टडी आ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक फाइव एम एल ऑफ डायल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड इन आर ट्यूब डायल्यूट वर्ड है देन यहां पर हम पतला सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ट्यूब में लेंगे प्यारे विद्यार्थियों एडिड टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ फिनोक्थिलीन इंडिकेटर हम जब पाँच एम एल सोडियम हाइड्रोक्साइड एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे तो हम दो तीन ड्रॉप इसमें फिनोक्थिलन इंडिकेटर की डालेंगे क्योंकि हमें इसका इंडिकेट करना है कि ये वास्तव में बेसिक नेचर का है या नहीं द सॉल्यूशन टर्न पिंक शुरुआत में तो ये पिंक हो जाएगा नेक्स्ट एडिड डायल्यूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसी टेस्ट ट्यूब में जब हम कुछ ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालेंगे ड्रॉपर की हेल्प से कीप स्ट्रिंग द टेस्ट ट्यूब जेंटली आफ्टर एडिंग ईच ड्रॉप हम स्ट्रिंग की हेल्प से टेस्ट ट्यूब में एसिड डालेंगे ध्यान रखना डायरेक्ट नहीं डाला जाता एसिड हमेशा जब भी डालेंगे आप एक किनारे पर ड्रॉपर की हेल्प से कैसे भी करके एक आ, मतलब बिल्कुल किनारे से एक ड्रॉप डालेंगे ठीक है अगर डायरेक्ट डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा ए, ए, हीट जनरेट हो जाएगी और उससे बहुत हाईली रिएक्शंस रियक, होगी जिससे कि आपको जलने का खतरा रहता है ठीक है द डिसपियर ऑफ़ पिंक कलर ऑफ द इंडिकेटर दैट न्यूट्राइजेशन रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे साल्ट बन जाएगा और जैसे ही साल्ट बनेगा अब आपका जो इंडिकेटर फनाथिलीन है वो कोई भी इंडिकेसन नहीं देगा यहाँ पर इंडिकेटर जो है बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं करेगा ठीक है टच द टेस्ट ट्यूब आफ्टर द न्यूट्राइशन रिएक्शन इट फील हॉट और जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो आपकी टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी इसलिए आप टेस्ट ट्यूब होल्डर से ही अपनी टेस्ट ट्यूब को पकड़ेंगे हम आपको लैब में सारा कुछ समझाएंगे ठीक है